नेशन बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी जा रही है और उस प्रेस वार्ता का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं या हमारे जो टीचर्स के जो राइट्स बनते हैं उनको लेकर हम अपनी जो आवाज़ है उसको हम अपने वर्दी जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी साहब हैं हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमारे एजुकेशन विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्दी श्री बी के सिंह जी उनके तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो जो टीचर्स को जो जो जिन जिन मसाइल से परेशान हो रहे हैं उन मसाइल को हल करने के लिए जहां से हम दरख्वास्त कर रहे हैं ना कि हम जहां से सरकार के आगे अपील कर रहे हैं ना कि हम जहां से कोई विरोध प्रदर्शन या कोई सरकार के खिलाफ हमारा कोई ऐसा रवैया नहीं है। वी आर अ टीचर, टीचर्स मीन नेशन बिल्डर्स और ये नेशन बिल्डर्स की आवाज़ है। हमारा सबसे पहला एक मुद्दा है जो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, जितने भी टीचर्स अंडर RET स्कीम के तहत लगे थे आज उनको 18 से 20 वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद उन टीचर्स की जो है सैलरी तो डीलिंग हुई। सबसे पहले मैं तो मीडिया कर्मी जो जितने भी हैं मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने 7th पे कमीशन का जब मसाइल हमारा एक बहुत बड़ा इशू था आपने उसको हल करवाने में हमारी काफ़ी मदद की थी, मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूं। इसके साथ साथ हमारे जो RET स्कीम के तहत जो टीचर लगे थे Grade 2, Grade 3 जो हैं जो थर्ड टीचर हैं जिनको आप इन ग्रेड से डेजिग्नेशन से जाना जाता है वो टीचर्स बिना ट्रांसफ़र पॉलिसी के हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेम ही नहीं हुई है। और एक टीचर जो हमारी महिला जो हमारी बहन है जो वो अगर 15 साल से या 16 साल से एक पहाड़ी एरिया में जहां मवेशी भी नहीं जाते थे वहां हमारी महिला ने जाके स्कूल को खोला है, लेकिन बजाय उसके वो सफ़र हो रही है, उसकी फैमिली सफ़र हो रही है, उसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी फ्रेम नहीं हुई है। तो लिहाजा हमारी ये सीधी हमारी गवर्नर इंतज़ामिया से हमारी दरख्वास्त है कि Grade 2, Grade 3 और 3rd टीचर्स के फेवर में हक में ट्रांसफर पॉलिसी जो फ्रेम की जाए और उसे जल्द से जल्द इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके साथ साथ हमारा दूसरा इशू और आता है, जैसे 2014 में एक आर्डर जारी हुआ था जब जो सरकार थी उस सरकार की जानिब से एक कैबिनेट डिसीजन था और उस आर्डर का नंबर था 469 और 469 जो है एक कैबिनेट का डिसीजन हुआ और वो टीचर जो RET स्कीम के तहत जो टीचर्स लगे थे उनमें उनकी सर्विस जो है उसको सीनियरिटी का भी बेनिफिट दिया था और साथ में पेंशनरी का भी बेनिफिट दिया था और साथ ही उसके यह भी था कि जो ट्रांसफर पॉलिसी विद इन दी डिस्ट्रिक्ट होगी और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ड्यू टू कुछ रीज़न के कारण हम LG मनोज सिन्हा साहब से कहते हैं कि प्लीज़ उस आर्डर की छानबीन कीजिए कि वो आर्डर था क्या और वो आर्डर टीचर्स के हक में था तो उसका टीचर्स को बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि वो कैबिनेट ने एक डिसीजन पास किया था। इसके साथ साथ अभी आप देख रहे हैं हर राज्य में हर स्टेट में एक मुहिम चल रही है OPS, इट इज़ अ जेन्युइन डिमांड है और जेन्युइन राइट है। जितने भी एम्प्लॉय हमारे JKUT के हैं नेशन बिल्डर एसोसिएशन भी इस चीज़ के लिए गवर्नर इंतजामिया से हमारे जो PM मोदी साहब जी हैं हम उनसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि जो OPS ओल्ड पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ के हक में लाई जाए ताकि अगर एक एम्प्लॉय जो है 45 साल 42 साल 30 साल डिपार्टमेंट को देता है जब वो रिटायर्ड होता है उसकी तो पेंशन है ही नहीं, उसकी लाइफ कैसे सिक्योर है क्योंकि जब वो बुढ़ापे में जाएगा उसको बीमारियाँ लगेंगी, उसको BP हो सकता है, उसको शुगर हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होती हैं, लेकिन जब उसके पास पेंशन ही नहीं होगी वो अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर करेगा। मैं LG मनोज सिन्हा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जो OPS है इसको जल्द से जल्द हमारी जो JKUT में इसमें रिस्टोर किया जाए। इसके साथ साथ मेरा अगला और जो स्टेप है, जैसे हमारे टीचर्स हैं वो उनको अकेडमी के जरिए नॉन अकेडमी वर्क भी दिया जाता है, अब टीचर जो लगा है उसका काम टीचिंग देना है, अब टीचर को अगर टीचिंग का काम नहीं दोगे उसको डिफरेंट टाइप के और काम दे दोगे बच्चे की शिक्षा कहाँ जाएगी, बच्चे का लिटरेसी रेट जो हमारे जुटी में जाएगा कहाँ जाएगा। हम ये दरख्वास्त करते हैं LG साहब से कि जल्द से जल्द जो टीचर है उसका काम सिर्फ एक और जन होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देनी है, टीचिंग
ओनली टीचिंग